छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार से रांची लौटने पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का रांची एयरपोर्ट पर अभिनंदन हुआ। भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाने और विधानसभा सचिवालय से बतौर नेता प्रतिपक्ष के औपचारिक घोषणा के उपरांत अमर बावरी झारखंड पहुंचे हैं। उन्होंने संगठन के निर्देश पर छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार में शिरकत की थी। रांची एयरपोर्ट पर दिनेश कुमार के नेतृत्व में जमशेदपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं और स्कूली मित्रों ने अमर बावरी को पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को आदरणीय मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, बाबूलाल मरांडी, रघुराज राजन मुंडा जी, सभी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने विधानमंडल के तमाम विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यह जो सरकार पिछले चार साल से एक पछिए चल रही थी, यह पालन नहीं हो रहा था। नेता प्रतिपक्ष के साथ ही यह विधानसभा पूरा होता है। ये सरकार ने षड्यंत्र तरीके से चुने हुए नेता अपने बाबूलाल मरांडी जी को बनने नहीं दिया था। अब ये जो बचा है समय, इसमें एक साल के अंदर इस सरकार के पास हम लोग खड़ा होंगे और जनता के मुद्दे और जो इनकी इनका जनता का मुद्दा और जनता का जो भी विषय है उसको हम सदन के पटल पर वैधानिक तरीके से रख करके जनता की आवाज़ बन करके जनता के विलम्ब किया, यही निर्णय लेना था तो नहीं। ये तो निरंकुशता इस सरकार ने रखी, इस सरकार ने इसको जानबूझकर उलझाए रखा। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अपने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने इस सरकार को गठघरे में खड़ा करने के लिए, इसका पर्दाफाश करने के लिए यह डिसीजन लिया है और हम सब लोग मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक मिलकर के इस सरकार का पर्दाफाश करेंगे और इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकसभा है सबसे पहले सर। ये सारे चीज़ों में एक बड़ा जनमानस, एक बड़ा वर्ग आप उत्साह देख सकते हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। गरीब का और एक दलित का बेटा को इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये कांग्रेस RJD ये सिर्फ कहती है, भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। 50 लाख आबादी रहती है इस झारखंड में, उनके साथ साथ पूरे तो झारखंड में तो बाहरी बता रहे, बाहरी बता रहे, बाहरी बता रहे आपको। अब कौन बाहरी बता रहा है तो उनसे जाकर के पूछिए। कार्ड खेला जा रहा है ये कार्ड नहीं है, आप देखेंगे तो सभी विधायकों ने मिलकर के मेरा चयन किया है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे योग्यतावान क्षमतावान लोग रहे हैं लेकिन कभी किसी पार्टी ने उनको कभी मौका नहीं दिया। तो में उत्साह है, ये पूरे झारखंड में उत्साह है, सभी विशेषकर जवाब मिलेगा नहीं ऐसा हमको नहीं लगता है। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जिसके तहत आज सर्वसम्मति से यह पद दिया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।